थॉट मन में आता है या दिमाग में? साइंस तो नहीं आती इतनी, लेकिन हाँ ख्याल जरूर आता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में किसी ने नहीं वर्ड फिट कर दिया है। आपके साथ भी ऐसा ही है क्या? पता नहीं लाइफ में आगे होगा क्या, लेऑफ्स चल रहे हैं, कहीं मेरी भी जॉब चली गई तो, इतने ब्रेकअप्स हो रहे हैं, कहीं मेरा भी रिश्ता टूट गया तो, रात की बस से ट्रैवल करना, सेफली घर नहीं पहुंच पाई तो, पहली बार कार चलाना सीख रही हूं, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, शादी के बाद सब मुझसे खुश तो होंगे ना, नहीं तो, फोन नहीं उठ रहा, कहीं कुछ हो गया होगा तो, रिजल्ट आने वाले दिन यही लगता है, अच्छी परसेंटेज नहीं आई तो, जॉब इंटरव्यू देने के बाद यही ख्याल सबसे पहले आता है मेरा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अगर आपको मेरी अभी कही बात पसंद नहीं आई तो, मैं ये नहीं कर पाई, मैं वो नहीं कर पाई तो, सी नहीं वर्ड कांस्टेंट है ना? सोशल मीडिया पे दूसरों की रील्स देख के सोचना, वाव इसकी लाइफ कितनी सॉलिड है, घूमो फिरो, ऐश करो, फैन फॉलोइंग, हमारे पास क्यों नहीं ये सब? स्टिल नहीं ही निकलता है मुझसे, नो नहीं। पता है ये कितना पावरफुल वर्ड है, जिसके आगे हम ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमें कमजोर कर देती है। हमारे दिमाग में 80% थॉट्स नेगेटिव आते हैं, आई शुड से हम लाते हैं। काश मैंने उनकी बात सुन ली होती ना और इन्वेस्ट नहीं किया होता तो आज मुझे लॉस नहीं होता। काश मैं उस रिलेशनशिप में नहीं आई होती, आज मैं खुश होती। काश मैंने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर ली होती तो आज मेरे पास सरकारी नौकरी होती। काश मैंने खुल के अपनी बात कह दी होती, आज अफसोस नहीं होता। काश एक बहुत खूबसूरत वर्ड जिसके आगे आप अपने मन की वो इच्छाएं जोड़ सकते हो जो आप पाना चाहते हो। काश वो शब्द है जो आपको जमीन पर रहकर भी उड़ने की ताकत देता है। तो इस खूबसूरत से शब्द के आगे खूबसूरत बातें भी कहो। सब हो जाएगा, मैं ये कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी, अरे फेल हो गई तो क्या हुआ, फिर से उठ जाऊंगी, दिल टूटेगा नहीं तो दिल जोड़ने वाला कैसे मिलेगा, ये जॉब नहीं जाती तो दूसरा अच्छा मौका कैसे मिलेगा, जो होना है वो होगा, खुशी में खुश तो गम में नॉर्मल रहना, ये आपके ही दिमाग से होगा, डर का साथ छोड़ना होगा और इस इंडिपेंडेंस डे खुद को नेगेटिविटी से आजाद करना होगा।